हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ प्रोमेट मेंटर काउंसलिंग। तो मेरे को लगता है आप लोगों को भी न्यूज़ अभी तक पता चल चुकी होगी, सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग हुई है नीट पीजी काउंसलिंग को लेके। 18 बच्चों ने पेटिशन फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में कि जो एग्जाम का भी लेटेस्ट पैटर्न हुआ है, जो कि एग्जाम होने के कुछ दिन पहले ही हमें पता चला है कि चेंज हो गया, वो सही नहीं है। उसके अलावा जितने भी रिजल्ट आउट हुआ है उसमें जो उन्होंने नॉर्मलाइजेशन करा है उसको लेके बच्चे कई खुश नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि ये सब प्रोसेस थोड़ा ज्यादा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक नई डेट लेने के लिए कह दिया है। अभी तक कुछ भी इसका रिजल्ट नहीं आया। मोस्ट प्रोबेबली अब वापस से हियरिंग होंगी मंडे को, यानी कि 28 को, और तब तक एमसीसी भी अपना सीट मैट्रिक्स निकाल देगी। एमसीसी सीट मैट्रिक्स इसलिए अभी तक नहीं निकाल पाई है क्योंकि उनके पास सीट्स अपग्रेड नहीं आई है, अपग्रेड इंफॉर्मेशन नहीं आई है सारे कॉलेजेस से। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जब ये हियरिंग होगी तब तक हमारे पास सीट मैट्रिक्स आ जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट और एमसीसी कितने सीरियस है काउंसलिंग को लेके, वो तो हम लोग देख ही रहे हैं, बट हमें हमारी काउंसलिंग को बहुत सीरियसली लेना है। ठीक है, तो हम लोगों के पास, प्रोमेट मेंटर टीम के पास, एक डेडिकेटेड टीम है डॉक्टर्स की, जो कि आपको गाइड करेगी फॉर वेरियस स्ट्रीम्स, फील्ड्स एंड अपॉर्चुनिटीज। बट हमारे पास भी लिमिटेड सीट्स है और बहुत कम बची है अभी। तो आज ही एनरोल करिए प्रोमेट मेंटर टीम के साथ। थैंक यू।